सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल अनमोल केसरी। दोस्तों आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और आज का मैं जो लोकेशन पाया बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है ये। गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप बांस का पेड़ देख रहे हैं इसी के ऊपर बेसिकली ये कहानी है। और ये जो बांस का पेड़ है ये सतयुग समय का, मतलब राम भगवान के टाइम का है। और इधर जो आप पेड़ देख रहे हो ये केंद्र का पेड़ है, 1 2 3 4 पेड़ है, ठीक है। तो इसका भी कहानी है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो आप सोच लीजिए राम भगवान के समय का ये पेड़ है गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है और इसका जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, शायद आपने भी सुन रखा होगा। अगर सुने हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो अभी मैं कहानी आपको बताऊँगा, उसके बाद अभी मैं आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा जिसे देख कर आप बहुत ही ज़्यादा चौंक जाओगे। और गाइस ये एक प्रूफ की तरह भी है, ठीक है। यहाँ पे जो आप सबसे पहले देखिए, जो आप बांस का पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर एक कहानी है। मैं आपको कहानी सबसे पहले बता देता हूँ गाइज। सतयुग के समय में एक परिवार था जहाँ पे 5 भाई थे, 5 भाई और एक बहन। और पांचों भाई में से 4 भाई का शादी हो रखा था, एक छोटा भाई था उसका शादी नहीं हुआ था। और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था ओंजरा, और ओंजरा जो थी वो घर का सारा काम करती थी। और जो 4 भाई थे उनका जो शादी हो गया था, तो उनकी जो पत्नियां थी वो ओंजरा को बहुत ही ज़्यादा सताती थी, प्रताड़ना देती थी तरह तरह की, और चावल उसे चुनवाती थी, चावल चुनवाती थी तो गिन गिन के चावल देती थी, एक भी चावल मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चावल साफ करने के लिए इस तरह से देती थी, उसे बहुत ही ज़्यादा मारती थी। तो गाइज इस तरह से कुछ कहानी है। और हुआ यूँ, एक बार ओंजरा जो थी वो साग बना रही थी अपने भाइयों के लिए, और साग बना रही थी तभी गाइज हुआ क्या, उसका जो हाथ था वो कट गया। कट जाने के बाद जो साग में उसका जो खून था वो गिर गया, ठीक है। तो साग में जब खून गिर गया और जो उनके भाइयों ने जब साग खाया, तो साग खाने के बाद साग जो था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, है ना। तो उसके भाई ने पूछा कि आज ऐसा क्या बनाई हो बहन कि इतना ज़्यादा टेस्टी लगा साग, क्या चीज़ ऐसा मिक्स की हो। तो उसकी बहन जो थी बहुत ही ज़्यादा भोली थी, उसने बता दिया कि भैया आज मैं कट गई थी और मेरा खून जो था साग में गिर गया था, और इस तरह से मेरा जो आज का साग जो था वो जब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना। तो उसके भाई लोग सोचने लगे कि अगर इसका खून इतना ज़्यादा टेस्टी है तो पूरा मांस कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। तो इस तरह से कुछ कहानी है। इसके बाद गाइज हुआ क्या, इसके बाद उनके भाइयों के मन में बहुत ही बुरा विचार आया, उन्होंने सोचा कि अपने बहन को ही मार दूँ, इस तरह का विचार आया, ठीक है। और गाइज ये जो आप केंद का पेड़ देख रहे हैं, केंद का पेड़ एक्चुअली ये खंभा था, 4 खंभा था जिस पर मचान बनाया गया था। और उनके भाइयों ने अपने बहन को कहा कि बहन मैं तुम्हें नानी घर दिखा देता हूँ, तुम्हारा नानी घर दिखा देता हूँ। और फिर उसका जो बहन थी उसे इस मचान में चढ़ाया गया, ठीक है। मचान में चढ़ा के उसे बोला गया कि तुम्हें मैं नानी घर दिखा देता हूँ। उसके बाद गाइज उसके भाइयों ने नीचे से तीर से उसे मार दिया, ठीक है, छली कर दिया उसके पूरे शरीर को। और इस तरह से उसकी जो बहन थी वो मर गई, और उसके बाद उसके मांस को खा लिया था उनके 4 भाइयों ने। जो छोटा भाई था, 5वां भाई जिसका शादी नहीं हुआ, तो उसने नहीं खाया था। और उसके बाद उसके 4 भाइयों ने कहा कि छोटे भाई को कहा कि जाओ इस पूरे हड्डी को जाके फेंक दो कहीं पे। और जो छोटा भाई था वो रोते रोते आया और इसी जगह पे अपने बहन के हड्डी को फेंक दिया। तो यहाँ पे गाइस बांस का पेड़ उग गया है, जो ये बांस का पेड़ देख रहे हैं वो यही बांस का पेड़ है। और जो ये आप पीछे की साइड में जो पेड़ देख रहे हैं, 4 पेड़, वो एक्चुअली में खंभा था जिस पर मचान बांध के और उसे चढ़ाया गया था। गाइज इसके अलावा भी एक और चिन्ह यहाँ पे उपस्थित है, थोड़े से आगे एक पहाड़ है, ठीक है। तो वहाँ मैं अभी फ़िलहाल जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पे गाइज जो तीर था उसे पजाया गया था और जो चाकू था उसे पजाया गया था, तो उसका निशान वहाँ पे मौजूद है। तो अभी मैं उसे दिखाऊँगा आपको, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गाइज ब्लॉग और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे देखिए पूजा पाठ भी यहाँ पे होता है, मेला भी लगता है, शायद कौन सा डेट में लगता है वो तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे किसी दिन मेला भी लगता है। सो गाइज एक्चुअल में जो पहाड़ ही है ये 100 मीटर के करीब दूरी है वो बांस के पेड़ से, ठीक है, बिंदु बसैर से। और यहाँ का मैं अभी आपको स्टोरी बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो तीर था, जो हथियार थे जिसे कि बहन को काटा गया था,
हाँ वही हथियार को यहाँ पे पजाया गया था, इसी पत्थर पहाड़ में रगड़ा गया था तीर को, चक्कू को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप साफ साफ निशान भी देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पूजा हो रखा है, तीर का निशान बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वन शायद आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 पांच निशान है जहाँ पे रगड़ा गया है तीर को और चक्कू को। तो इस तरह से यहाँ पे निशान मिला है, और जो भी था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया गाइस। ये लोकेशन जो है बुढ़मू प्रखंड में पड़ता है, बुढ़मू प्रखंड नाउज एरिया है, ठीक है। जैसे आप लोकेशन में सर्च करोगे नाउज बुढ़मू प्रखंड नाउज, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। रांची से करीबन करीब 26 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। अगर कोई आगे देखना चाहे तो आगे देख सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।